चूचू टीवी सुनो कहानियाँ। कसली एक छोटा सा बेफिक्र बच्चा था जो हमेशा चीजें बर्बाद करता था। कसली हमेशा खाना फेंकता था और उसे पानी की भी कोई कद्र नहीं थी। कसली की टीचर मिस डॉर्थी ने कसली को कई बार पानी बर्बाद करते हुए देखा। उन्होंने उसे चेतावनी भी दी। कसली, तुम हमेशा पानी बर्बाद करते हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पानी बहुत ही कीमती है, तुम्हें पानी को बचा कर रखना चाहिए। पर कसली ने कभी भी मिस डॉर्थी की बात पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन मिस डॉर्थी कसली की क्लास को बीच पर ले गईं। उस दिन काफी गर्मी थी। कसली मजे करना चाहता था और फिर उसने अपनी पानी की बोतल से इधर उधर पानी फैलाना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद कसली को प्यास लगी, पर जब उसने थोड़ा पानी पीने के लिए अपनी बोतल खोली तो उसे पता चला कि उसमें पानी था ही नहीं। हाँ, मेरा सारा पानी खत्म हो गया और मैं बहुत ही ज्यादा प्यासा हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए? कसली ने पूरे समुद्र तट पर देखा, पर उसे कहीं भी पीने के लिए पानी नहीं मिला। मेरे गले में दर्द हो रहा है और मेरा मुंह बिल्कुल ही सूख गया है। काश कि मैंने अपना पानी ऐसे बर्बाद नहीं किया होता। काश मुझे एक घूंट पानी पीने को मिल जाता। मिस डॉर्थी का ध्यान कसली पर गया। उन्होंने अपनी पानी की बोतल में से उसे थोड़ा सा पानी दिया। कसली, इसलिए मैं तुम्हें हमेशा समझाती थी कि पानी बर्बाद मत करो। पानी बहुत ही जरूरी है। हमें पानी चाहिए होता है जब हम प्यासे होते हैं। ये हमारे खाने को उगाने और बनाने में भी इस्तेमाल होता है। बिना पानी के ना हम नहा पाएंगे, ना साफ रह पाएंगे, ना ही जिंदा रह पाएंगे। इसीलिए हमारे लिए पानी को बचाना बहुत जरूरी है। कसली, हमें पानी की हर बूंद को बचाना चाहिए। कसली ने पानी पिया और मिस डॉर्थी को धन्यवाद किया। धन्यवाद मिस डॉर्थी, मुझे अब पता चल गया है पानी कितना जरूरी है। मैं अब पानी बर्बाद नहीं करूंगा, बल्कि मैं वादा करता हूं कि हर बूंद बचाऊंगा। कसली ने अपना वादा निभाया। उसने फिर कभी भी पानी बर्बाद नहीं किया और अगर उसे कोई भी पानी बर्बाद करता दिखता तो वो ये गाना गाता। यहाँ हर जगह पानी ही पानी है, पर हमें ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए। पानी हम सबके लिए जरूरी है, तो इसको बचाना भी बहुत जरूरी है।